नमस्ते, मैं डॉक्टर कौरवी झाड़े। मैं वेस्क्युलर स्पेशलिस्ट सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में काम करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा वेरिकोज वेन क्या होती है, ये किस वजह से होती है और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसमें दो ही प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है आपके डॉपलर के रिपोर्ट के हिसाब से। डॉपलर में हमें समझता है कि आपकी वेन्स किस हद तक खराब हो चुकी है। इनिशियल स्टेजेस में हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें आते हैं स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स एक टाइट स्पेशलाइज्ड मोजे होते हैं जो एंकल से थाई तक पहने जाते हैं। इसे डेली 8 से 10 घंटे तक पहनना पड़ता है और हम पेशेंट को हर महीने में इवेल्युएट करते हैं कि कितना कम हुआ है। अगर इससे पेशेंट को रिलीफ होता है तो हम ये कंटिन्यू करते हैं 6 से 8 महीने तक। बट अगर आपके वॉल्स ख़राब हो गए हैं, आपको ज़ख्म हो रही है, तो हम लोग डायरेक्टली सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होती है, पिन होल सर्जरी व्हाट हम लोग बोलते हैं इसको, बिन टाके का सर्जरी। ये लेज़र द्वारा की जाती है। एक छोटी सी सुई द्वारा वायर अंदर जाता है, इंटरनली सारी जो ख़राब नस है उसको हम बंद कर देते हैं। ये अंडर लोकल एनेस्थेशिया भी किया जा सकता है या अंडर जनरल एनेस्थेशिया भी किया जाता है। ये डे केयर सर्जरी होती है। पेशेंट मॉर्निंग में हॉस्पिटल में आता है, हम ऑपरेशन करते हैं और दूसरे दिन पेशेंट घर जाता है। ये ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरे दिन से ही पेशेंट अपने काम पर जा सकता है। अब हम प्रिवेंशन की बात करें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिकोज वेन किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है या ज़्यादा देर बैठना होता है तो आप हाई रिस्क हो वेरिकोज वेन डेवलप होने के लिए। तो आपको आपका प्रिवेंशन खुद करना है। अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो पैर की एक्सरसाइज ऐसे अप डाउन जो पैर के तलवे हैं ऐसे आपको करने हैं हर आधे घंटे में कम से कम 2 से 3 बार। अगर आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ रहा है तो हर आधे घंटे में जस्ट एक ब्रिस्क वॉक करके आइए। जब आप वॉक करते हो या पैर की एक्सरसाइज करते हो तो जो पैर के जो मसल्स होते हैं वो पंप के जैसा एक्ट करते हैं, जिससे आपकी नसों में जो ब्लड जमा हुआ है वो हृदय के तरफ जाता है। और कभी कभी आप जिनमें ज़्यादा देर बैठना होता है या ज़्यादा देर खड़े रहना होता है, पर मैं हफ्ते में एक आधी बार आप पैर का मसाज भी करवाइए, जिससे आपकी जो नस है उनको एक्सटर्नल प्रेशर मिलता है ब्लड पंप करने के लिए। इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस या क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमारी टीम आपको आंसर करने का कोशिश करेगी। थैंक यू।